हेलो दोस्तों, मैं विक्रम, स्वागत है आपका इट्स टेक्निकल में और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन ऑफ जून 2020। इसी महीने दोस्तों आज 1 तारीख का इसी महीने कौन कौन से स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं इसी वीडियो में बात करेंगे और बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों अभी स्पेसिफिकेशन करके आपको बताने वाला हूं, तो चलिए अभी वीडियो की तरफ चलते हैं। कौन कौन से स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं इसी महीने देखते हैं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर ओप्पो की तरफ से ओप्पो फाइंड एक्स टू, ओप्पो फाइंड एक्स टू प्रो भी आ सकता है, वो तो कन्फर्म नहीं है। ये कन्फर्म है दोस्तों ओप्पो फाइंड एक्स टू ये लॉन्च होने वाला है इसी महीने, ये तो कन्फर्म है 100%। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो आपको इसमें मिल जाता है स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर आपको इसमें मिल जाता है और आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले आपको मिल जाता है और एमोलेड डिस्प्ले होगा और 2K स्क्रीन होगा। यहाँ पर कमाल की बात होने वाली है इस ओप्पो फाइंड एक्स टू को लेकर। और उसके अलावा यहाँ पर ट्रिपल रेयर कैमरा आपको मिल जाता है, 48 MP का प्राइमरी होगा और आपको 65 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। इसमें कमाल का स्मार्टफोन ये हो सकता है 65 वाट के चार्जर को लेकर। तो ये इसमें पहला, और उसके बाद बात करते हैं ओप्पो का एक और स्मार्टफोन इसी महीने लॉन्च होने वाला है दोस्तों, वो है दोस्तों ओप्पो का ओप्पो रेनो 4 इसी महीने ये भी लॉन्च होने वाला है। तो इसके स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे ना तो इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर आपको मिल जाता है और 6.65 इंचेस का एक आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। इसमें भी आपको क्वाड रियर कैमरा मिल जाता है, इसमें 48 MP का प्राइमरी होगा और 4000 mAh की बैटरी होगी। ये इसमें ओप्पो का ओप्पो रेनो 4 इसी महीने ये भी लॉन्च होने वाला है इंडिया में। अगर लॉन्च हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा टिप्स एंड ट्रिक्स अनबॉक्सिंग वगैरह आपको मिल जाएगा, उसका आप इंतज़ार कर सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना रेनो 4 का। उसके अलावा हम बात करते हैं सैमसंग की तरफ से दो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं दोस्तों, सैमसंग का गैलेक्सी M11 और सैमसंग के गैलेक्सी M01। ये दो स्मार्टफोन दोस्तों लॉन्च होने लें इसी महीने, तो देखेंगे दोस्तों कितनी तारीख को लॉन्च होते हैं देखेंगे और उसका आप इंतज़ार कर सकते हैं। तो सो उसके अलावा यहाँ पर वीवो की तरफ से बात करते हैं तो वीवो V19 तो लॉन्च हो गया, अभी वीवो V19 Pro लॉन्च होने वाला है इसी महीने, वो भी आपको मिल जाएगा दोस्तों उसका भी वीडियो। इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर मिल जाता है, 6.44 इंचेस का एक आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है दोस्तों, अच्छा है। और डुअल पंचुअल सेल्फी होगी इसमें भी और साथ में क्वाड रियर कैमरा होगा, 48 MP का प्राइमरी होगा। वैसे ये दोस्तों वीवो V19 Pro इसी महीने ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है, उसका भी आप इंतज़ार कर सकते हैं। तो सो उसके बाद आता है यहाँ पर आइको की तरफ से आइको Z1, ये भी ना दोस्तों इसी महीने लॉन्च होने वाला है। इसमें ना दोस्तों आपको MediaTek का Dimensity 1000+ प्रोसेसर मिल जाता है, 144 Hz का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिल जाता है, इसमें कमाल का ये स्मार्टफोन होने वाला है आइको Z1। और साथ में ये IPS डिस्प्ले होगा इसका, सुपर एमोलेड होता तो इससे भी बेहतर काम यहाँ पर बन जाता, पंचुअल सेल्फी मिल जाता है और 4500 mAh बैटरी और 45 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है इस आइको Z1 इस स्मार्टफोन में इसी जून के महीने में ये भी लॉन्च होने वाला है। अगर आप इसके लिए भी एक्साइटेड हो तो आप इसका इंतज़ार कर सकते हैं। उसके अलावा सर वन प्लस की तरफ से दोनों में से एक लॉन्च होगा, OnePlus 8 Lite या OnePlus 8Z, ये दोनों में से एक लॉन्च होगा दोस्तों। इसमें ना दोस्तों आपको मेरा Dimensity 1000 प्रोसेसर मिल जाएगा या स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर आपको मिल सकता है दोनों में से एक, और ट्रिपल रियर कैमरा होगा, 48 MP का प्राइमरी होगा। वैसे ये ना दोस्तों जून के महीने में दोनों में से एक स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है, OnePlus 8Z या OnePlus 8 Lite, आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं ज़रा नीचे कमेंट्स में बता ही देना। दोस्तों उसके बाद हम बात करें यहाँ पर रियलमी की तरफ से आता है यहाँ पर Realme X3 Super Zoom, रियलमी की तरफ से आ रहा है ये भी स्मार्टफोन, ये भी ना दोस्तों 50x जूम होगा शायद इसका, और आपको इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर मिल जाता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर। उसके अलावा यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिल जाता है और साथ में इसका भी ना दोस्तों IPS डिस्प्ले होगा, सुपर एमोलेड होता तो इससे भी बहुत बेहतर काम यहाँ पर बन जाता, और क्वाड रियर कैमरा मिल जाता है, 64 MP का प्राइमरी होगा। उसके बाद ये भी ना दोस्तों इसी महीने लॉन्च होने वाला है रियलमी का Realme X3 Super Zoom। उसके अलावा यहाँ पर हम बात करें रेडमी की तरफ से दो स्मार्टफोन दोस्तों इसी महीने लॉन्च होने लें, एक है Redmi Note 9 और एक है Redmi 9। Redmi Note 9 और Redmi 9 ये दोनों स्मार्टफोन इसी महीने लॉन्च होने वाले हैं, तो
देखेंगे इसमें लॉन्च होने के बाद, तो आपको इसका वीडियो बनाकर आपको दे ही दूंगा। तो सर उसके अलावा यहाँ पर पोको की तरफ से आ रहा है इसमें एक स्मार्टफोन, एक आ रहा है पोको M2 Pro, ये भी ना इसमें इसी जून के महीने में लॉन्च हो रहा है इंडिया में। 64 MP का प्राइमरी कैमरा होगा, रियर क्वाड रियर कैमरा होगा, 64 MP का प्राइमरी होगा, और उसके अलावा 5020 mAh की बैटरी होगी इसमें, और 33 W का फास्ट चार्जर होगा। वैसे ये इसमें पोको M2 Pro इसी महीने ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है। अगर लॉन्च हो जाएगा तो आप इंतज़ार कर सकते हैं, इस चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वैसे ये इसमें टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन ऑफ जून 2020, आप किसका इंतजार कर रहे हैं इसमें जरा नीचे कमेंट्स में टाइप करके बता ही देना। दोस्तों आज के वीडियो में खत्म होता है, उम्मीद है आपको पसंद ही आया होगा। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए Take care.